नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दिल्ली व पंजाब के बाद अब एमपी में फ्री बिजली, सीएम केजरीवाल ने जनता से किया वादा। जबलपुर आम आदमी पार्टी मध्य भारत में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंचे। सतना में रविवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने उन्होंने चुनावी संभावनाएं टटोली। केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विंध महाकौशल अंचल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मतदाताओं को लुभाने के लिए बिजली की दरों में राहत देने की बात कही। उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में परिवर्तन लाने की लोक लुभावन बातें कही। वादा किया कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर लोक हितकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता हैं। जो काम दिल्ली और पंजाब में किया है अब मध्य प्रदेश में करेंगे केजरीवाल। वह बोले, 75 वर्षों में देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने चुनाव के पहले कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल बना देंगे। केजरीवाल ने कहा कि जो काम दिल्ली और पंजाब में किया है अब मध्य प्रदेश में करेंगे। 7 सीटों पर हो चुकी है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पार्टी ने प्रदेश में अब तक 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें से 3 विंध्य क्षेत्र के हैं। रीवा की सिरमौर सीट से सेवानिवृत्त DSP वीडी पांडे, रामपुर बघेलान से पंकज पटेल तथा रेगांव विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार बागरी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।